गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 8A के आगे के सम्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, सम्स में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए आप लोग परेशान हो गए थे कि सर ये सब सम्स अलग टाइप के हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, मैं बताता हूँ सम्स को करना कैसे है। इस पे ब्रैकेट से पहले 5 लिखा है, इसमें ब्रैकेट से पहले 2 लिखा है। तो सबसे छोटी क्लास है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो सेम चीज इसमें भी यही करेंगे। देखिए, 5 - 3 - x, अब ये प्लस से यहां माइनस क्यों हुआ, इस माइनस का मल्टीप्लाई पहले मैंने प्लस के 3 के साथ किया, तो प्लस माइनस 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 का 3 आया, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ किया, तो प्लस माइनस माइनस यहां आ गया। सेम चीज नीचे भी करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो माइनस का 1, इस माइनस का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/5। अब देखिए, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस एक्स, अपॉन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1/5। अब जिस तरीके से हम लोगों को सम्स इस टाइप से दिया होता था, देखिए वही टाइप मिल गया। अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैची गुणा करेंगे। कैसे, 5 ब्रैकेट ऑन करिए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट ऑन करिए 1 माइनस 2x, वही चीज है, मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। आप चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई लगा दो, या नहीं भी लगाओगे तो भी अंडरस्टूड होता है। तो 5 × 2 = 10 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब हमने कल भी बताया था, x x क्लास एक तरफ और विदाउट x वाली क्लास एक तरफ। तो यहाँ 5x पहले से है, इस x को उठा के ले आइए। देखिए, माइनस का 5x प्लस का 2x, क्यों प्लस का हो गया, जो डिजिट जंप करती है उसका साइन चेंज होता है। 1 एज इट इज नोट डाउन हुआ, 10 उधर गया तो माइनस का 10 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हमारा 3x इज इक्वल टू माइनस का 9, क्योंकि 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 9 आया, और जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, 10 का साइन बड़ा था, 10 का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो x इज इक्वल टू 9/3। और जब x इज इक्वल टू हमारा 9/3 आया, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये मेरा हो गया आंसर। तो सम्स आप लोग देखिए अच्छी तरीके से, इसको समझिए हमने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 10 बड़ा था इसलिए माइनस किया, माइनस से माइनस कट हो गया, अपॉन में वैल्यू लेके गए, एक्स की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड सम्स को देखिए, सेकेंड सम में भी ब्रैकेट बाद में लगा है, पहले एक अननोन वेरिएबल 9y है, दूसरे में अननोन वेरिएबल 9y। सेम चीज इसके साथ भी करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करके सम को इजी कर लेते हैं। कैसे, देखिए, y माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया, 7 माइनस का आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ किया, तो ये मेरा 8y आ गया, अपॉन 9y मैंने ऐसे नोट किया, माइनस का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो माइनस का 3, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4y 2/3। एक बात छोटी सी याद रखिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब भी कभी होगा अंदर ब्रैकेट की डिजिट में या विदाउट ब्रैकेट के डिजिट में, तो हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। यानी याद रखिएगा, जब कभी हम माइनस का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो संख्या के निशान बदल जाते हैं। देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में किया, देखिए माइनस का 7 आया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 8 में किया, देखिए प्लस का 8 आया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में किया, देखिए माइनस का 3 आया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 4y में किया, देखिए माइनस का 4 आया। यानी माइनस का मल्टीप्लाई जब कभी भी हम करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि माइनस का गुणा जितनी संख्याओं के साथ किया जाएगा तो उन संख्याओं के निशान बदल जाएंगे। तो आप देखिए, ये y प्लस का और 8y प्लस का, तो ये दोनों मिलके बना गए 9y, क्यों,
एलजेब्रा में वन लिखा नहीं जाता, इस वाई के बगल में वन होता है, 9y माइनस 7 अपॉन 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। आप देखिए जिस तरीके से कल वाले सवालों में डिजिट दी होती थी वैसे ही डिजिट दे दी गई है। अब हम इसमें क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों अब हम इसके आगे सम को सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग याद रखिएगा कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, 9y में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कभी इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस 9 के बगल में अननोन वेरिएबल लगा है और इसके बगल में नहीं लगा है, इसीलिए इस वाली संख्या में भी आपस में सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए 3 9y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 5y माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27y माइनस 7 3 21 5 2 10y माइनस 6। अब देखिए वाई वाई एक तरफ करिए, वाई वाई को एक तरफ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, 27y उठा लाइए माइनस का 10y, आप 21 को उस साइड जम करा दीजिए। बस याद रखिएगा आप लोग जो डिजिट इक्वल टू जंप करेगी केवल उसका साइन चेंज होगा। तो अब देखिए 27y में से 10y सब्ट्रैक्ट हो गया तो 17y आ गया, और इधर इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया हमने तो आया आपका 15, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 27 बढ़ा है और यहाँ पे 21 बढ़ा है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 17। तो स्टूडेंट्स ये आपके दो सम्स के आंसर हो गए। अब मैं आगे के दो सम्स आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिए उन दो सम्स को हमें कैसे करना है, और आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट करने के लिए चाहे वीडियो को रोक लिया करिए या वीडियो का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसके बाद इसको अपनी फेयर कॉपी में समझ के किया करिए। अब नेक्स्ट सम देखिए दो मैं बताने जा रहा हूं वो कैसे करने। देखिए स्टूडेंट्स ये दो सम्स और हैं जिसमें आपको देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा कि सर कितने ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट में अपॉन वाले डिजिट, ऐसा कुछ नहीं, वो सब देखने में टफ है बल्कि ये बहुत इजी है। देखिए कैसे हम इसमें ब्रैकेट्स को अभी ओपन नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। देखिए 4 जो डिजिट ब्रैकेट वाली थी उसको हम एज इट इज ही नोट कर लेंगे। ये देखिए कर लिया मैंने, बस ब्रैकेट ऑन किया, बाकी डिजिट्स को एज इट इज मैंने नोट कर दिया। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12y अपॉन 4 और 4 7 28। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अपॉन की डिजिट में नहीं मल्टीप्लाई किया, हमेशा याद रखिए कि इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1, तो ऊपर ऊपर की डिजिट का मल्टीप्लाई होता है और नीचे नीचे की डिजिट का, तो 4 1 4 ही होगा, और यहाँ भी 7 के अपॉन में कुछ नहीं है इसका मतलब 1, तो 1 1 1 होगा और 4 7 28। ठीक है, आप अपॉन में 1 लिखिए अदरवाइज नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही अब 5 के साथ भी, इसके अपॉन में 1 है तो 5 2 10y हो गया, और अपॉन वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 माइनस 5 4 20, अपॉन में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई, अब वाई वाई एक साइड कर लीजिए, अपॉन 4 माइनस 10y अपॉन 5 इजिकल्स टू -20 -28। यहाँ पे एलसीएम आएगा 5 4 20, तो डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा 60y, 4 टाइम जाएगा 40y, ये एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो 48 को भी माइनस कर। अब देखिए 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट होंगे, मैं इसी के आगे कर दे रहा हूं जिससे दिख जाए आपको, 60 माइनस 40 हमारा बचा 20y अपॉन में
20 इज इक्वल्स टू माइनस का 48। अब देखिए ये 20 से 20 मैंने कट कर दिया, y इज इक्वल्स टू माइनस 48। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है समी जी, अब नेक्स्ट वाले में आइए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट सम्स में क्या है, फिर वही चीज मल्टीप्लाई कीजिए 20 z अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 3 4 अपॉन 3 माइनस 7 z। अब इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, इधर भी 20 60 अपॉन 5 बन जा 5। देखिए ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया, इधर देखिए माइनस का 12 अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस का 21 z। ठीक है अब अगर कोई चीज कट हो रही है तो उसको कट कर दीजिए, 4 वन जा 4 4 5 जा 20 5 वन जा 5 12 3 वन जा 3 4, तो डिजिट हमारी आई 5z माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 21 z। अब zz वाले डिजिट एक साइड और विदाउट z वाले डिजिट एक साइड, तो 5z माइनस 21z इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस का 12, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो माइनस का 16 z, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। ठीक है अब यहां आप लोग अगर z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो z इज इक्वल्स टू आएगा 8 अपॉन माइनस 16, 8 बनता है 8 टू द 16 मीन्स माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक आप देखिए 5z में से 21z जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 16 लिखा, वो भी माइनस का। क्यों लिखा माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा, और इधर जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो लिखा 8 और साइन इसमें माइनस का नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें 12 डिजिट है। तो आपको मैंने आज ये चार सम बता दिए ब्रैकेट वाले, तो आज इन चार सम्स की तरह दो सम्स आपके और हैं, वो आप लोग खुद करिएगा। बाकी इन चार सम्स को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमको कॉल या मैसेज करके पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।